हाय गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग ISX ब्लॉगर में आपका वेलकम। मैं बात कर रहा हूँ सत्यम शाह। जैसे कि आप देख सकते हैं, जेई मेंस का 2024 का फॉर्म आ चुका है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इसका ऑल प्रोसेस बता रहा हूँ, कैसे कैसे कब एग्ज़ाम डेट्स कब हैं, फॉर्म का फ़ीस कितना है, कितने एज के लड़के भर सकते हैं फॉर्म को। चलिए मैं बताने जा रहा हूँ, कृपया ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जेई मेंस का फॉर्म 1 नवंबर को आया है, ठीक है, और इसका एग्ज़ाम डेट है 1 जनवरी से 2 फरवरी के बीच एग्ज़ाम डेट। इस 3 सेक्शन होता है, 1st सेक्शन जनवरी में एग्ज़ाम होते हैं और 2nd सेक्शन अप्रैल में एग्ज़ाम होते हैं। इसका एग्ज़ाम फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 30 नवंबर। कृपया जल्द से जल्द भर लीजिए। जेई मेंस में एज की बात करें तो जेई मेंस में एज की कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी एज हो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 18 वर्ष होना चाहिए, किसी बीच का फॉर्म डालो तो 18 वर्ष मांगता है, ठीक है। इसका फ़ीस की मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं इसमें फ़ीस, जैसे सेंटर्स इन इंडिया, जैसे इंडिया के सेंटर वाले जो हैं उनका फ़ीस होगा, जो मेल वाले हैं मेल का 1000 रुपये लगेगा और फीमेल 800 रुपये लगेगा। देखिए जनरल वाले और ओबीसी की मैं बात करूँ तो मेल का 900 रुपये, फीमेल का 800 रुपये, और जो सेंटर आउटसाइड इंडिया में है उसका फीस ओबीसी की मैं बात करूँ तो 4500 रुपये, और देखिए और फीमेल का 4000 रुपये। कृपया आप ध्यान से देख रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे, ठीक है। ये देखिए, ये सारे कोर्स अवेलेबल हैं जेई मेंस के फॉर्म डालने पे, क्या क्या कोर्स में अवेलेबल होती हैं, आप क्या कर सकते हैं जेई मेंस एग्ज़ाम देने के बाद। कृपया जेई मेंस अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। मैं भगवान से कामना करूँगा कि आप जेई एग्ज़ाम में सक्सेसफुल हों, आपका जेई क्वालिफाई हो जाए। थैंक यू सो मच, अब मिलेंगे अगले दिन। कृपया आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।